है आनंद कमलेश त्रिपाठी और आपने मुझे बिंदास पर देखना शुरू कर दिया है। मित्रों, एक नई फिल्म आ रही है जिसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आजकल हो रही हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके निर्देशक सनोज मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। और सनोज मिश्रा ने थोड़े दिन पहले ही मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने जो कुछ भी इस फिल्म में लिखा है या दिखाने की कोशिश की है वो उन्होंने खुद देखा है और वहां जाकर उन चीजों को महसूस किया है। सबसे पहले तो स्वागत है सनोज जी आपका इंटरव्यू में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनोज जी, सबसे पहला सवाल इंटरव्यू का शुरू करूं उससे पहले एक चीज जी, क्या जरूरत पड़ गई जब देश में सब बढ़िया चल रहा है, अमन चैन है, तब क्या जरूरत पड़ गई उसे बिगाड़ने की, उसे उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको कि भाई सब बढ़िया चल रहा है, शांति आपको रास नहीं आ रही है? सर, मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस सभ्य समाज में जी रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत संकीर्ण विचारधारा में जी रहे हैं, क्योंकि आज आपको बॉर्डर पर बैठे हुए लाखों आदमी जो इंडिया आना चाह रहे हैं वो दिख नहीं रहे हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो इस देश में आकर यहाँ पर स्थापित हो गए हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पर आके धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका यह जो सवाल है कि हम अमन चैन से जी रहे हैं, अमन चैन से आप कहाँ जी रहे हैं आप बताइए, कोई एक जवाब दीजिए जहां आप अमन चैन से जी रहे हो। आप क्या अफगानिस्तान में जी रहे हैं, पाकिस्तान में जी रहे हैं, या बांग्लादेश में अमन चैन से जी रहे हैं, या बंगाल में जी रहे हैं अमन चैन से? अगर यहाँ पर आप अमन चैन से जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज बहुत कम है, आपको ये पता नहीं कि ग्राउंड लेवल पर वहां पर क्या मुसीबत है और लोग किस तरीके से वहां पर अपनी लाइफ को स्प्लाइट कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वहां पर, किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की अशांति को अगर आप हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं एक फिल्म के जरिए तो फिर क्या यह सही चीज है? मैं बांग्लादेश की बात करता हूँ या बंगाल की बात करता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ। आप ये देख लीजिए सिनेरियो, आप पहले से आप सेट कीजिए कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर आज के हालातों में जो परिवर्तन हुआ है हमारे देश के अंदर, चाहे वो चाहे कश्मीर रहा हो, चाहे नू हो, चाहे मेवात हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कोई भी हो, और फाइनली मैं बोलूंगा वेस्ट बंगाल हो, जहां पर सिर्फ वोट बैंक के लिए किसी खास वर्ग विशेष एक जाति या धर्म को एक खुश करने के लिए जो एक पॉलिसी बनाई गई है, जो चीजें बनाई गई हैं, क्या आप उसे सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि जो देश में हमारे लाखों करोड़ों घुसपैठिए, हालांकि जो वहां की सरकार पहले थी उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आ चुके हैं, उस समय जब ममता बनर्जी जी सरकार में थी और वो कांग्रेस में थी तब उन्होंने संसद में जाकर इस बात को कहा था कि हमारे देश में घुसपैठिए सबसे बड़ी समस्या है, और आज वही समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर इस देश में पैदा हुई है, और वो जो इस देश के लिए जो कर रही है, जो बंगाल के लिए कर रही है, क्या वो उचित है? आपने सरकारी आंकड़े देखे हैं क्या कि इतने सालों में कितना सारा बाहर का जो विदेशी जो लोग हमारे हमारे देश में हमारे जो एंट्री किया है, कितने सारे लोग हमारे यहाँ आए और हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए विकास के लिए वो किस तरह से हमारे लिए मुसीबत है, खतरा है, आपने महसूस किया है क्या? अगर बंगाल के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, नहीं जानना चाहते, या एक पक्षी आपकी विचारधारा है तो अलग बात है, लेकिन बंगाल आज के तारीख में हमारे देश का और विश्व का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। जिस बंगाल की आप बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की आप बात कर रहे हैं, जिस ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई एक सरकार है, वो जो फैसले लेती है वो विद इन द पार्लियामेंट लिमिट लेती है, देश के कानून और संविधान के तहत लेती है, और अगर ममता बनर्जी अच्छा काम नहीं कर रही होती, ठीक काम नहीं कर रही होती, तो क्या इतने सालों से लगातार दो तीन टर्म से वो रिपीट हो रही हैं, हाल फिलहाल के लोकसभा इलेक्शंस में सबसे बड़े अब पार्टी के तौर पर वो बंगाल में नजर आई है, बीजेपी जैसी रूलिंग पार्टी को उन्होंने टफ फाइट दी है, तब क्या ये संभव था अगर इतनी सारी कमियां ममता बनर्जी में होती? सर, 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 दो दो पक्ष हैं इसके, दोनों पक्ष आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। पहला पक्ष ये है कि हमारे यहाँ जो घुसपैठिए बांग्लादेश में आए, बांग्लादेश से जो आए बंगाल में, उनको वोटर आईडी और
सरकारी सहूलियत देकर बचाकर अपना वोट बैंक बनाया गया। पहला तो ये, दूसरी चीज ये थी कि वहां पर जो दमनकारी नीति थी, ये जो बात आप कह रहे हैं सनोज जी, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात अगर आप साबित नहीं कर सके तो एक और केस ममता बनर्जी सरकार आपके खिलाफ करेगी और आपको यहां से मुंबई जहां आज आप बैठे हुए हैं यहां से पुलिस आएगी, बंगाल में आपको लेके जाएगी और आपको जेल हो जाएगी। आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता बिकॉज क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और सच यही है जो पूरी दुनिया जान रही है कि आज की तारीख में लाखों ने करोड़ों की संख्या में जो तादाद थी वो बांग्लादेश से निकलकर बंगाल में आई और वहां से पूरे देश में फैल गई, जिसको वहां की आइडेंटिटी और वोटर कार्ड देने वाली वहां की स्थानीय सरकार थी जिसने अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि हमारे लिए काम करेंगे वोट बैंक के लिए काम करेंगे, इसलिए आज तानाशाही की जो सरकार चल रही वो इसलिए है कि हम तानाशाह हैं, क्योंकि हमको पता है, हमको पता है कि हम हार नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस पॉलिसी को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, पहला तो वोट बैंक ये हो गया कि हमने बहुत सारे विदेशियों को अपने यहां बसा लिया और दूसरा हुआ कि जो विदेशी आए यहां पर वो क्रिमिनल थे पहले से ही, क्योंकि बर्मा में लोगों को मारकर भाग रहे थे, बांग्लादेश में वहां भी लोगों को मारकर भाग रहे थे और इंडिया में जब उनको खाने का थोड़ा सा भी साधन मिल जाएगा तो इसके बाद वो क्राइम पर ही आएंगे। आज की तारीख में नूह में, मेवात में, मेरी बात पूरी होने दे, नूह में, मेवात में, उत्तराखंड में या किसी भी छोटे भी शहर में आप चले जाओगे तो ऐसे तादाद, ऐसे लोगों की संख्या वहां पर आपको मौजूद मिलेगी जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए खतरा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस इंटरव्यू के दौरान, इस इंटरव्यू में जो भी बातें कह रहे हैं वो निर्देशक सनोज मिश्रा जी की अपनी बात है, वो उनकी पर्सनल राय है, मेरा या चैनल का इसमें कोई भी, जरूरी नहीं है कि मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं। जो भी एजेंसीज हैं, जो इंक्वायरी करना चाहती है, जो एक्शन लेना चाहती हैं, वो सोलली इनके ऊपर ले सकती हैं। मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूं और मैं उसके लिए जिम्मेदार ठहरा नहीं हूं। मैं जिम्मेदार हूं और इस देश का अगर ऐसी कोई बात आती है तो इस देश का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रद्रोह का भी मेरे ऊपर इल्जाम लगता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। सनोज जी, आपके इंटरव्यू करने के दौरान मुझे ये लग नहीं पा रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं खुद कंफ्यूज दुविधा वाली स्थिति में आ गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई एक फिल्म मेकर का मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या किसी पार्टी के नेता का इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी दुविधा बन गई। अब एक बात आप समझ लीजिए, मेरी फिल्म है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जिसके प्रोड्यूसर है श्री वसीम रिजवी जी, जिनका अभी नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, ठीक है। ये पहला सिनेरियो है। दूसरी चीज ये है कि ये फिल्म जिस बजट में बनी है, अगर ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू बनती है, किसी पार्टी के थ्रू बनती तो इसका बजट कई करोड़ होता और इस फिल्म में बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट होते, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे लोग होते। अगर किसी एजेंडे के थ्रू बनती तो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, हमने इस फिल्म को बनाने में मुझे 3 साल क्यों लगे, क्योंकि इसके लिए हमें फंडिंग इकट्ठा करनी थी, हमें एक तिनका तिनका जोड़कर इस फिल्म को हमने इकट्ठा किया और जब राष्ट्रवादी लोग जुड़े साथ में चीजें आगे बढ़ी, उन तिनकों को जोड़कर जब हमने इकट्ठा किया तभी फिल्म तैयार हुई द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसका हेल्पर हूं, मैंने इसको हेल्प किया, कोई सहयोग किया, कुछ कोई नहीं बोल सकता। हाँ, दूसरी बात, अगर कोई बोलता है कि ये बंदा संघ का है या बीजेपी का है या किसी का है या कोई भी पार्टी का बोल सकता है, तो मैं बोलूंगा अगर मैं बीजेपी का हूं या संघ का हूं, ठीक है, मैं मानता हूं मैं संघ का हूं, ठीक है, लेकिन क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि संघ का कोई भी आदमी फिल्म नहीं बना सकता? आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर मैं संघ का हूं तो मैंने फिल्म बनाई है, लेकिन संविधान में जरूर लिखा है कि कोई भी आदमी इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को, इस देश में जो दो समुदाय के बीच खाई है उसे नहीं बढ़ा सकता है, उसे नहीं बढ़ाना चाहिए। संविधान में लिखा है, मैंने सिर्फ सच बोला। ये आपका सच है सर? नहीं, ये दुनिया का सच है, मीडिया का सच है। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं तो आप खुद चीजों को, आंकड़ों को देखिए, मेरे आंकड़े तो बहुत छोटे हैं। आप आंकड़े अगर देखेंगे, आज की तारीख में बॉर्डर पर कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने मंदिरों में आग लगाई गई है, जबकि बांग्लादेश में जो अभी जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो क्रांति आई थी, जो बोलते हैं हमें बदलना था सबको, उस बदलाव में हिंदुओं का कोई भी अस्तित्व नहीं था, वो बेचारे थे, लेकिन उसके बावजूद रिजर्वेशन की उसी इस आंधी ने जिस तरह से लोगों को स्प्राइड किया है, जैसे लड़कियों को नंगा किया है,
जैसे लोगों को मारा है, जैसे सामूहिक बलात्कार किया है, तो ये किसी इंसानियत के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई एफर्ट कर सकता है कि हाँ इंसान ऐसा कर सकता है। और आज की तारीख में बॉर्डर पे कितने लाख लोग बैठे हुए हैं, नंगे, भूखे, प्यासे, बच्चे सड़ रहे हैं, उनके पास दूध की बोतल नहीं है, पानी नहीं है। आप इसको क्या बोल सकते हैं? क्या मैं इसको ना बोलूं? मैं इसको बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं। चार दिन पहले तक आपकी फिल्म का कोई जिक्र नहीं था, जैसे ही बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस हुई। सुन लीजिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए सनोज मिश्रा जी, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। चार दिन पहले तक जब बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस नहीं शुरू हुई थी, आपकी फिल्म का जिक्र नहीं था। चार दिन के अंदर जैसे ही बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस शुरू हुई, सनोज मिश्रा जी, आपने फिल्म की चर्चाएं शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, और बंगाल के खिलाफ आपने बोलना शुरू कर दिया। मौके का सही फायदा आपने उठाया, सनोज मिश्रा जी, कोई फायदा नहीं उठाना है। आप ये जानिए कि करोड़ रुपए इस फिल्म में लगे हुए हैं, जिसमें पूरी इज्जत, ब्याज और कितना कुछ दांव पे लगा हुआ है, आपको नहीं पता है। क्योंकि हम इस देश के आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, हम इंसानियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम वो मैसेज देना चाहते हैं दुनिया में, जो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया पीसफुल बने। और ये बुंदा जो आपने बताया चार दिन पहले जब हुआ, चार दिन पहले आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, एक साल पहले हमारी पूरी यूनिट के ऊपर FIR दर्ज हुई बंगाल सरकार की तरफ से। ये मुद्दा तब से चल रहा है, और उससे एक साल पहले मैंने फिल्म का निर्माण शुरू किया था 2002 से। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2001 में मैंने रिसर्च किया, 2002 में मैंने फिल्म का निर्माण किया, और 2024 में आकर, मतलब ये पूरे 3 साल हमारे लिए गए हैं। तो इन 3 सालों में आप बोले कि हमने 3 साल पहले, 3 दिन पहले हमने डिस्कस शुरू किया, चर्चा शुरू की, तो ये गलत बात है, पूरी तरह से गलत है। और मैं कभी भी इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी फिल्म इलेक्शन से पहले रिलीज होने जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर है और दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये कहकर उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट रोक दिया। और इलेक्शन के बाद जब उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट इशू किया है, तब हम इस फिल्म को लेकर के आए। अच्छा सनोज जी, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए, एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए जी। फिल्म बन के तैयार है रिलीज के लिए, इससे पहले आपने बताया कि भाई 3 साल पहले आपने इसकी कहानी शुरू की थी, 3 साल लगे आपको फिल्म बनाने के लिए। आपने इंटरव्यूज में ये भी दावा किया है कि आप खुद गए पश्चिम बंगाल, आपने देखा है चीजों को, और उसे ही आपने पेन डाउन में, आपके मीडिया इंटरव्यू सुन रहा था, आपने उसे फिर लिखा है, और उसी जो आपने कागज पर उतारा था उसी को आपने फिल्म में उतारा है। आपने जब आप पश्चिम बंगाल गए थे तो आपने देखा कि भाई बॉर्डर पार करके रोहिंग्यास जो है वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। आपने देखा क्या कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी किसी लड़की के साथ कोई गलत काम कर रहा है? ये आपने अपनी आंखों से देखा? अगर देखा है तो प्लीज कब देखा है और इसका साक्ष्य क्या है वो कैमरे पे दे दीजिए। अब आप सुनिए, पहली बात तो ये कि मैं 2001 में जिस वक्त लॉकडाउन और सब सारी चीजें चल रही थी, उसमें मैं बंगाल गया था, और उसके पहले भी मैं लगातार वहां पर 4-5 फिल्में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर बंगाली फिल्में कर चुका था। बंगाल मेरे लिए कोई नया नहीं है, या बंगाल मेरे लिए कोई अफगानिस्तान नहीं है, बंगाल अभी भी मेरे लिए पाकिस्तान नहीं है, बंगाल मेरे लिए अभी भी पश्चिम बंगाल ही है, आज भी मेरे लिए वही है, हमारे देश का हिस्सा है, और मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ, और वहां पर मेरे उतने ही फॉलोअर है जितने उत्तर प्रदेश में और मुंबई में। कभी भी आप उसे डिफेम कर रहे हैं? नहीं, डिफेम कभी नहीं कर सकता हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ सर। अब आपने क्या सवाल किया है कि आपने वहां रहने के बाद क्या रिसर्च किया? तो मैं 2001 में जब एक वहां पर किसी एक इवेंट में गया था, जज था वहां पे, और मैं घूमने के लिए जब गया, और उसके पहले 8 साल पहले मैं जा चुका था, 8 साल का गैप था मेरे बीच में, 8 साल के बीच में नहीं देखा क्या वहां पे क्या सिस्टम खराब हुआ, क्या चीजें डिस्टर्ब हुई। लेकिन 8 साल के बाद जाने के बाद जब मुझे बॉर्डर एरिया में जाना हुआ, तो मैंने वहां पर देखा कि बॉर्डर कैसा है, वहां पर जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, और वहां का इतिहास क्या था और भूगोल क्या है। इतिहास जो था बॉर्डर का तो बंगाली था, और भूगोल आज की तारीख में जो था वो पूरा इस्लामिक था वहां पर, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग वहां पर बस चुके थे, लेकिन उस इतिहास के बहुत सारे हिस्से जो वहां पर मौजूद थे, अंश जो मौजूद थे, उन्होंने मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए प्रेरित किया कि मैं इस पर फिल्म बनाऊं। सोचिए, जिस बंगाल में आप जाकर रहते थे, जिस बंगाल में आपने कई सारी फिल्में की, एक तरह से आपकी कर्म भूमि थी, आज आपने उसी बंगाल को बदनाम करने के लिए उस पर एक फिल्म बना दी, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। सरकार तो यही कहती है। गलत सवाल है सर, मैं कभी भी उस बंगाल को बदनाम करने के लिए नहीं, डायग्नोस करने के लिए। बीमारी होती है तो हमें उसको डायग्नोस करके उसका इलाज करना चाहिए, और ये सबसे बड़ी चीज अपने अंदर भी है। अगर हम बीमार हैं और उसको बोले नहीं नहीं हम हेल्दी हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम चल नहीं पा रहे, हम
हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और हम डॉक्टर को बीमारी नहीं बता पा रहे, तो ये मैंने काम किया है उसको डायग्नोस करके उस बीमारी को लोगों के सामने लाने की जो मेरी मुहिम है वो यही है कि बंगाल आज की तारीख में बीमार है, रुग्ण है, उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की, उसको जरूरत है धार्मिक तुष्टिकरण के आधार पे ना लेकर एक इंसानियत के आधार पे आगे बढ़ने की, और उसको जरूरत है एक ऐसे देश की स्थापना करने की जहां पर तुष्टिकरण की बात ना हो, वो एक ऐसा स्टेट बने, ऐसा प्रदेश बने जहां पर सबकी आवाज सुनी जाए, और खासतौर पे उस लोकल ऑडियंस की, जो लोकल लोग वहां पर रह रहे हैं, जो लोकल लोग वहां पर जिंदगी जी रहे हैं अपनी, जिनका पूरा इतिहास भूगोल वहीं से जुड़ा हुआ है, वहां पर एक विदेशी आदमी आकर और वहां पर बस जाते हैं लोग, उसके बाद उनकी बहनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, उनके साथ लव जिहाद करते हैं, ये मुद्दा सबसे बड़ा है आज की तारीख में बंगाल में। आप आजादी के बाद वहां के आंकड़े उठाकर देखिए, आंकड़े उठाइए और आजादी के बाद जितनी आबादी वहां पर हिंदुओं की थी और आज कितनी आबादी है और उसमें कितने लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड उठाइए, उसके बाद अगला सवाल कीजिए। आंकड़े आंकड़े जो है, आप आंकड़ों का बहुत सारा जो मामला है, आंकड़े आंकड़े आप कह रहे हैं, एक आंकड़ा मुझे ये बताइए कि भाई किसी एक आदमी ने आपको आकर ये कहा कि उसके साथ गलत हुआ है, वो हिंदू है किसी और धर्म का है, उसने आपके आपको बताया कि भैया सरोज मिश्रा जी मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, जबरदस्ती की गई है जो आप फिल्म में दिखा रहे हैं सर, आप उस पर एक फिल्म बनाइए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, न्याय कीजिए, किसी आदमी ने कहा बिल्कुल, बिल्कुल, किसी बंगाली के किसी बाशिंदे ने इस बात को कहा सर, करोड़ों लोगों ने कहा मुझे, लेकिन आवाज मैंने उतने लोगों की सुनी जो मेरे करीब थे, जो मेरे बहुत करीब थे उनकी आवाज मैंने सुनी, लेकिन आज की तारीख में ये करोड़ों लोगों की आवाज है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल करोड़ों लोगों की आवाज है, जो लोग चाह रहे हैं, अभी भी आपके मिलने से पहले मैं बंगाल से ही मुझे फोन आ रहा था, मैं उनको काटने में विवश हो रहा था कि भैया ठीक हो गया, लेकिन वो सिर्फ ये बोलने के लिए कि आपके अंदर कितना कलेजा है, आपको कितना धन्यवाद दूं मैं जो आपने ये फिल्म बनाई है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मिलने के बाद, उनसे रिसर्च करने के बाद, उनके पर्सनल जो अपने अनुभव थे उनके जानने के बाद ही मैंने इस पर काम शुरू किया, ये आप जान लीजिए। ट्रायल जो आपके खिलाफ चल रहा है जी पश्चिम बंगाल में, हाँ, जो वहां पर फाइल किया गया है उसके अकॉर्डिंग तो आप वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, आप क्यों ट्रायल क्यों नहीं आप फेस करते, वो मुकदमा वो सुनवाई पुलिस में आप जाकर क्यों नहीं हाजिर हो जाते हैं, नहीं, नहीं। आप क्यों अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर पर आपको विश्वास है, कानून पर तो आपको विश्वास है, इस देश के संविधान पर विश्वास है, और तो आप उस ट्रायल को क्यों नहीं फेस करते, अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आप छूट जाएंगे। नहीं, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन उसके बाहर जो खड़ी हुई भीड़ है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, जो मुझे न्यायालय तक पहुंचने के लिए जो लोग मुझे ट्रेस करके लोग मुझे जो मार देना चाहते हैं, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता, न्यायालय के बाहर जो भीड़ खड़ी होती है वहां पर तो कोई सुरक्षा नहीं होती, पुलिस होती है, पुलिस वहां पर कोई सुरक्षा, पुलिस पर आपको सरकार पर विश्वास नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, ऐसे सैकड़ों लोग मॉब लिंचिंग का शिकार हो चुके हैं जो इस तरह के ट्रायल में गए थे, ट्रायल में पहुंचने से पहले उनकी मॉब लिंचिंग हो गई, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मुझे डर इस बात का नहीं कि मुझे न्याय का इंसाफ, मुझे जो अगर न्याय के खिलाफ मैं जा रहा हूं, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहा हूं तो मुझे जो सजा मिलनी हो मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर मुझे कोई किसी भी तरह से अगर मुझे अगर कोई डिस्टर्ब करना चाहेगा किसी तरह, अगर मुझे कोई अलग से कोई सजा देना चाहेगा तो मैं चाहूंगा कि मैं उससे बचूं और मैं अपना प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार रखता हूं, क्योंकि मुझे अपने बंगला भाइयों की आवाज बुलंद करनी है। और इस दुनिया में एक बात बता दूं, मैं ही पहला और अकेला इंसान हूं जिसने अभी तक किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री भी 5 मिनट बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां पर जो हिटलर शाही की सरकार थी किसी ने नहीं ऐसी हिम्मत की, क्योंकि 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखा दे कि हमारे प्रदेश का ये हाल है। अगर मैं पहली बार वहां पर उतरा हूं तो मैं पहला और आखिरी इंसान होऊंगा वह जो वहां पर वहां की असलियत लाकर ही दिखाऊंगा, और इसके लिए चाहे लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सम्मान है, अगर मुझे पुलिस या जब भी आदेश करेगा कोर्ट मैं हाजिर हो जाऊंगा, और फांसी बोलेगी तो फांसी में भी चढ़ जाऊंगा, दैट्स इट। तो बिल्कुल आप, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। जो भी कानून में आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, आप लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते, और साथ ही साथ हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम देश की कानून व्यवस्था पर
विश्वास करें। सरोज जी, अब तो फिल्म 30 तारीख की आपको थिएटर्स में आ ही रही है, लेकिन बड़े सारे आपको कट करने पड़े इस फिल्म में। अगर आपको लगता है कि भाई आपने सही किया था, तो आपने कई सारे कट्स हटा दिए, दीदी जैसा शब्द आपने हटा दिया फिल्म में से, और आपने कुछ नारे वहां से हटा दिए सेंसर बोर्ड के। आप सेंसर बोर्ड से क्यों नहीं टकरा गए? आपको कहना चाहिए था कि भाई ये सब सही है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, और भैया मैं ये फिल्म बनाऊंगा। आपको तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं बनाना चाहिए था, आपको ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ फिल्म बनानी चाहिए थी। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं कभी उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अत्याचार के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ खिलाफ हूँ तो एक तानाशाह सरकार के खिलाफ हूँ, वो चाहे ममता बनर्जी की हो, या चाहे हीरालाल यादव की हो, या चाहे शीतला देवी की हो, किसी की भी हो, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूँ जो तानाशाह है, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम मुस्लिमों को लाकर यहाँ पे बसा लिए हैं, 40% से ऊपर आबादी हो गई है, उनको सारे वोटर आईडी उनको मिल चुके हैं, और हम यहाँ से कभी नहीं हारेंगे। मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे है, देश संविधान से चलता है, और संविधान के तहत ही हमको काम करना चाहिए। और आपने जो अभी सवाल किया कि क्या बोला आपने कि यहाँ पर हम इनके खिलाफ जा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, हम लोकतंत्र के साथ हैं, और ये फिल्म जो बनी है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से बनी है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करें, उनके साथ में खड़े हों। अगर हम किसी हिंदू के खिलाफ बोल सकते हैं तो हमें मुस्लिम के खिलाफ भी बोलना चाहिए, ऐसा ना हो कि खाली हिंदू के खिलाफ बोले और मुस्लिम के खिलाफ ना बोले। आज की तारीख में इतना सारा जो अमानवीय कृत्य पूरे बांग्लादेश में हो रहा है, कोई भी सेकुलर पार्टी ने आज तक एक शब्द बोला क्या? मुझे इसका जवाब दीजिए खाली आप, कोई एक पार्टी बताइए जिसने आज बोला हो कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा हो, एक नाम लीजिए। बिकॉज ऑफ वोट बैंक, उनको वोट का बैंक चाहिए, हमारा ये वोट बैंक नाराज हो जाएगा अगर हमने बोल दिया कि अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिनका कोई भी इस केस के साथ, इस आरक्षण के साथ और इस जो सरकार की तख्ता पलट हुई उसके साथ कोई भी मतलब नहीं है। सबके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, आपका निजी स्वार्थ है कभी नहीं। भाई टिकट बिक जाए, फिल्म देख ले लोग, थोड़े से पैसे आ जाए, ये एक फिल्म मेकर का निजी स्वार्थ होता है। खैर वो एक अलग चीज है, आपने फिल्म बनाई है, पैसे आपको कमाने हैं, बिल्कुल आपने करोड़ रुपए लगाए हैं, आपके आने चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री क्या आपकी इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है? कभी नहीं कर रही। किसी बड़े आर्टिस्ट ने आपकी इस फिल्म को ट्वीट किया, शेयर किया कि भैया एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसे देखिए? किसी बड़े सुपरस्टार ने, नामचीन कलाकार ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, किसी ने शेयर किया इस फिल्म को? मैं इन दोगले लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। आपने जो बोला कि वो जो बड़े स्टार है, एक्टर है, तो मैं उनके तलवे चाटने वाला नहीं हूँ। आपको अगली फिल्म भी करनी होगी। मुझे मैं अगली फिल्म सब्जेक्ट ओरिएंटेड करूंगा और वही करूंगा जो देश और जनता। उसमें कलाकार एक्टर नहीं होंगे? नहीं नहीं होंगे। जिन कलाकारों को आज आप दोगला कह रहे हैं वो लोग उसमें नहीं होंगे? नहीं, दोगले लोग कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोगले लोग कभी बाहर नहीं निकलते। जब हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है उस पर कुछ नहीं बोलते। इवन ये लोग क्या बोलते हैं कि हीरो होगा शाहिद, हीरोइन होगी आरती। अरे मैं भैया ऐसे लोगों का समर्थन कभी नहीं कर सकता, और ना मैं इनके साथ काम करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ हूँ, ना इंडस्ट्री में इनकी बदौलत हूँ, और ना इनका कोई एहसान मेरे ऊपर है। मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ और सच बोलूंगा इस धरती पर जब तक जिंदा हूं, और मैं यही कहूंगा कि ये दोगले लोग हैं और ऐसे घटिया लोगों के साथ, जो बड़े बड़े एक्टर अपने आप को स्टार मानते हैं, 200 करोड़ 500 करोड़ कमा के देते हैं, हम जिंदगी भर घाटे में रहेंगे, लेकिन इनके साथ कभी काम नहीं करना चाहेंगे। मैं सच बोलना चाहूंगा, और वो सच जो दुनिया को बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, इनकी नींद हराम हो जाएगी, मैं वहां तक काम करना चाहूंगा। सर, हो सकता है कि फिल्म तो आपकी 30 तारीख को रिलीज है, मैं वैसे दुआ करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन 30 तारीख से पहले हो सकता है पश्चिम बंगाल की पुलिस आए, आपको कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पकड़ के ले जाए, अरेस्ट कर ले। हो सकता है आपकी फिल्म का रिलीज भी रुक जाए, हो सकता है सर? नहीं, रिलीज तो नहीं रुकेगा, लेकिन मुझे अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अगर मुझे जेल में डाल देगी, तो मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ इस फिल्म को बनाने से पहले। इस फिल्म को नहीं, जेल जाने का मतलब मौत है, क्योंकि जेल में जाने का मतलब मुझे ट्रेस किया जा रहा है, मुझे जेल में भेजने के लिए, तो एक साल से सरकार वहां की परेशान है कि जेल में डाल के इसको खत्म कर दो। तो जिस दिन मैं जेल जाऊंगा ये समझूंगा कि मैं खत्म हो चुका हूं, और इसके पहले ही मेंटली मैं सेट हूं कि मैं मरूंगा, लेकिन मेरा बलिदान इस देश के लिए होगा, सनातन धर्म के लिए होगा। शहीद बनने जा रहे हैं? नहीं, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 साल बाद तो मरूंगा ना, मैं मरना ही ना मुझे, अभी मरने दो। और ये शिकन जब मैं अरेस्ट हूं या मुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो मेरे चेहरे पर ऐसे ही एक्सप्रेशन होंगे जैसे आज है, ये घट नहीं सकते कभी भी, ये ध्यान रखिएगा।
सोचिए सर, आप खुद को शहीद डिक्लेयर कर रहे हैं, आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है जिसके खिलाफ एक डेमोक्रेटली चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार आपके पूरा खिलाफ काम कर रही है, पूरा पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ पड़ा हुआ है, आपके पीछे पड़ा हुआ है। सोचिए सरोज मिश्रा जी, आपकी कितनी बड़ी शख्सियत है सर। नहीं, मेरी कोई शख्सियत नहीं सर, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, और मैं सिर्फ मेरे जो बड़े भाई हैं श्री वसीम रिजवी जी, उन्होंने जिंदगी में सच बोला सबसे पहला, मैं उनको फॉलो करता हूँ बस, और मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं सिर्फ मानव मात्र के लिए, मैं समाज के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम कर रहा हूँ। जिस धर्म में कट्टरता है कि गला काट दो, नाक काट दो, ये काट दो, ऐसा बोले ये कर दो, मैं उसके खिलाफ हूं। वो धर्म जो दुनियादारी सिखाता है, जीना सिखाता है, मैं उसके सपोर्ट के लिए काम कर रहा हूँ। वो चाहे जैनिज हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे इस्लाम हो, जो भी, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। लेकिन जो काटना, मारना, खून करना, जिहाद करना, और अपने पूरे वर्ल्ड में मेरी सहारी, मेरी हुकूमत चले, ये जो आइडियोलॉजी रखते, मैं उसके खिलाफ हूँ। सोचिए, आपने तो पूरी के पूरे एक मजहब को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, उसे मर्डरर बता दिया, उसे खूनी बता दिया, उसे न जाने क्या कुछ कह दिया। अगर एक पर्टिकुलर मजहब ही आपकी फिल्म का बायकॉट कर दे, अगर वो ना देखने जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास थिएटर्स में ऑडियंस होगी या ना के बराबर होगी सर। मैं सर राष्ट्रवादियों के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे देश का जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जिसको पता है कि विदेशी घुसपैठिए आकर उनके संसाधन पर कब्जा कर रहे हैं, उनकी चीजों का, उनका हक मार रहे हैं, अगर उनको इस बात का एहसास है, उनको ये पता है कि मुस्लिम हो और तुम हिंदू हो, अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होगी। मैं ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए ही इस फिल्म में काम कर रहा हूँ, मेरा ही मानना है सर। चलिए, आपके अनुसार, आपके मुताबिक राष्ट्रवादी की जो परिभाषा है वो शायद बहुत अलग है। खैर सनोज जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, काफी लंबा इंटरव्यू खींच गया, और मैं उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा कि भाई अगली फिल्म आप एक बढ़िया फिल्म बनाएं, और शायद ऐसी कोई अगली फिल्म बनाने वाले हैं। एक और विवाद नहीं, सच, एक और सच जो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो सच। चलिए, मैं अगले इंटरव्यू में उसकी बात करूंगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कैसा लगा इंटरव्यू, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आ रही है 30 तारीख को थिएटर्स में। थैंक यू।